ओके सो स्टार्ट लेट स्टार्ट दिस चैप्टर वेरी इजी एज वेल एंड थोड़ा सा बहुत आप इसके बारे में जानते भी हैं. बहुत आसान सा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, राइट? तीसरी बार पढ़ रही हूँ चैप्टर आपके साथ. कहीं ऐसा ना हो कि अभी 4-5 बार और पढ़ना पड़े. हाँ, खैर ऐसा नहीं होगा, बट या ओके ठीक है. तो निधि, चैप्टर कर चुके हो वैसे? आता है चैप्टर थोड़ा बहुत? फोर्स के बारे में पता है निधि? नहीं मैम. बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये क्लास स्पेशली आप ही के लिए है. यस जी, डू यू नो व्हाट इज फोर्स? मैम, पुश और पुल. अ पुश और अ पुल, बेसिकली यस वी कॉल इट अ पुश और अ पुल. यस रिधिमा, व्हाट इज अ फोर्स? मैम, इट इज अ फोर्स, इट इज अ पुश और पुल व्हिच चेंजेस और मे टेंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ग्रेट, वेरी गुड, याद है अभी तक. बिल्कुल yes. सही है कि तो बेसिकली फोर्स की हम अगर इसको डिफाइन करने से पहले निधि, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली फोर्स है क्या. आप इसके इफेक्ट को फील कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम मूविंग माय हैंड, यस इट इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स. सो कहीं पे भी कोई भी चेंज हमें लेकर के आना है, सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग फोर्स. कोई भी आप लाइक अभी आप बेड से उठे हो, आप चेयर पे जाके बैठे हो, दैट इज ऑल्सो फॉर दैट एक्शन ऑल्सो यू हैव अप्लाइड फोर्स. सो फोर्स जो है आप अपनी मेजर एक्टिविटीज में लाइक हर एक एक्टिविटी में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. यू हैव लिफ्टेड योर नोटबुक, यू आर ट्राइंग टू स्टडी, है ना, आप कुछ मतलब यानी कि या फिर अपनी वॉल को आप पुश कर रहे हो, अपने बैग को उठा रहे हो, ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व फोर्स, राइट? राइट निधि? यस मैम. Nidhi, can you give any 5 examples since morning where you have used force? I'm lifting books. Okay. Opening door. Okay. Opening door. Very good. I'm lifting a pen. Uh-huh. And lifting laptop, mobile. Okay. Many more in everything. Everything. For example, है ना, आप अभी अभी बैठे हो जहाँ पर भी. For that also you are applying a force. Yes. Right. Yeah. Rithima, what are you doing? वापस आ गए हो रिधिमा? Yes ma'am. कब पहुँचे कल? Yes ma'am, कल ही आए थे. Okay. So basically in all of the activities around us, like walk कर रहे हो, कुछ भी आप ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, एवरी टाइम यू आर अप्लाइंग अ फोर्स. सो इफ यू टॉक ऑफ अ फोर्स, इन जनरल वी कॉल इट एज अ पुश और अ पुल. इन जनरल अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल, राइट? बट थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं कि सिर्फ पुश और पुल ही कह सकते हैं या कोई भी एक्टिविटी. यस, कोई भी एक्टिविटी इज अ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, लिफ्टिंग अ बुक. आप बोलोगे लिफ्टिंग भी तो फोर्स है, तो फिर उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया है डेफिनेशन में? सो बेसिकली लिफ्टिंग का मतलब होता है पुल करना. तो जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसको हम मोर और लेस पुश या पुल में कैटेगराइज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई हमने फोर्स पे सिर्फ पुश और पुल का नाम दिया है, ठीक है? एंड इट कैन चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन. What does it mean? Let's try to understand. Suppose आपके पास में एक वॉल है, जैसे रिधिमा के पीछे एक वॉल मुझे नजर आ रही है. Suppose रिधिमा is trying to push the wall, ठीक है? She is trying hard, लेकिन the position of the object or the state of the object is not changed. But रिधिमा ने फोर्स तो लगाया ना, so it can either change or tend to change the state of motion of an object. That's what you call as a force होगा, but work नहीं होगा. हाँ, फोर्स होगा बट वर्क नहीं होगा. क्लियर विद दिस? अच्छे, आई होप यू हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. इफ नॉट, राइट इट क्विकली. रिटन? गुड, ठीक है. सो आप अपने आसपास जितनी भी एक्टिविटीज आप देख रहे हो सब में फोर्स है. सो निधि, सामने ये जो कोई भी एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या इसमें आपको फोर्स नजर आ रहा है? फोर्स नजर आ रहा है. Can you see the force? मैम, पहला वाला स्केटिंग है, स्केटिंग में भी फोर्स हो रहा है. हाँ, फोर्स हर कंडीशन में लग रहा है, बट कैन यू सी द फोर्स?
Can you see? No, I can't. No, you can't. You cannot see the force. You just feel the effect of. You just feel the effect of force, right? Yes. Yes. ठीक है, तो हम फोर्स को सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, कहीं पे भी फोर्स लगना है तो उसके लिए एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरैक्ट करना जरूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फोर्स लगाना है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो मैं फोर्स किस पे लगाऊंगी, राइट? तो मींस फॉर अ फोर्स टू टेक प्लेस, और फोर्स कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन देयर इज अ इंटरैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, राइट? इजंट इट, है ना? अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे तो फोर्स हम नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, इन दीज एक्टिविटीज, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट की बात करूं, सो द मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग द नेल. अगर नेल ही नहीं होता तो किसको अट्रैक्ट करता? मीन्स फोर्स कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन देयर इज एन इंटरैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट. डू राइट इट डाउन. फोर्स कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड when two or more than two objects interact, okay? यानी कि objects का interaction जरूरी है for force to take place. Written? Everyone written this? मैम मैं तो लिख रखा है. Okay, ठीक है. यानी कि अगर कोई force, there should be one who is applying the force and there should be one who is receiving the force. For example, I am lifting this notebook, so this has received the force and I have applied the force, isn't it? Yes, ma'am. Nidhi, getting it? Yes, ma'am. कहाँ खो गए बच्चे? फोर्स तो नहीं लगाने लगे? नहीं मैम, सुन रही हूँ. ओके, सो रिद्धिमा, सिंस यू हैव डन इट, कैन यू टेल मी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस? रिद्धिमा, यस मैम. हाँ जी, फोर्स को थोड़ा सा और जानते हैं कि ये अपने साथ क्या इफेक्ट ये क्रिएट कर सकता है. यस रिद्धिमा, एनी इफेक्ट ऑफ फोर्स? कहाँ घूमते रहते हैं? Turning effect of force. Yeah, that is one of the effect. But before that, any like any other effect of force? Oh, ma'am, okay, वो वाला, हाँ याद आया, changing of position. हाँ, it can change the position of an object. State to motion to rest, rest to motion, change okay. In size, change in shape. Great, yes. Change in speed. Yes, these are the effects of forces. यानी कि force जो है वो बहुत सारे effects लेके आ सकता है. जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को ये बदल सकता है. अगर कोई रेस्ट पे है तो उसको मूव करा देगा, मूव पे है तो रेस्ट, या फिर स्पीड कम है, स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन में चेंज कर सकता है. तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. प्लीज राइट डाउन एवरीवन. अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. डू राइट डाउन. फोर्स कैन change the state of motion of an object. ठीक है, बिल्कुल. और अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को भी बदल सकता है. मतलब आपने कोई बॉल को किक किया, अभी कम स्पीड से मूव कर रहा है, आपने बहुत तेजी से किक कर दिया, मतलब बॉल अपना मूव कर रहा था, आपने किक कर दिया तो अभी उसकी स्पीड बदल गई. So yes, force can change the speed, and in fact it can also change the direction of the object. For example, object was moving like this, this object was moving like this, but I have applied a force opposite to this direction. So dekho, pehle ye aise move kar raha tha, ab ye aise move karne lag gaya. So force can change the direction of an object. It can change the speed, it can change the direction. I hope you have written. Nidhi? Nidhi? Yes, ma'am. Okay. Achha, yes, force ma'am. Can also change the shape of an object. For example, yes, ma'am. Written.
Okay. Force can also change the shape of an object. For example, this was a shape. Now I have turned this. This is the effect of force. I have changed the shape and size of an object as well. Force ki madad se aap object ka shape ya size bhi change kar sakte hain. For example, lemon. When you squeeze the lemon, okay, rubber band. So all these are example of effects of forces. ठीक है कि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की शेप ऑब्जेक्ट का साइज बदल सकता है. रिटेन यस मैम. सो मैम स्टेट मैम पहले तो मेंशन किया गया था ना कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. Yes, you. Force can change the state of motion of an object. Force can change the speed or direction of an object. Force can change the shape of an object. Very good. But if we take the example of this brick, is brick ka shape change nahi hone wala? Matlab ki agar aap ispe force lagate ho to is brick ka shape change nahi ho sakta. For example, if I'm applying force to this mobile phone, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है. सो द रीजन इज इट इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट. आप रिजिड ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं कर पाते हो. दे ब्रेक व्हेन यू अप्लाई मच ऑफ फोर्स. आप इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, बट इट वोंट बी चेंजिंग इट्स शेप. सो सच ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट चेंज इट्स शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स, दे आर कॉल्ड एज रिजिड ऑब्जेक्ट. डू राइट इट. मैम इनके साइज तो चेंज हो जाते हैं. कैसे साइज कैसे तो भाई ना आप एक्सेस फोर्स लगाओगे तभी साइज चेंज हो पाएगा. मेल्ट कराओगे तो ये सब के लिए फोर्स आप लगा तो रहे हो, बट इनका जो बेसिक नेचर है ये रिजिड ऑब्जेक्ट है. मतलब कि आप इनकी आप बहुत ज्यादा फोर्स आप लगाए जा रहे हो तो ये ब्रेक ही हो जाएगा, है ना. अपने अपना शेप चेंज नहीं करेगा. साइज रही बात साइज की, तो साइज कैसे चेंज करेगा, साइज भी चेंज नहीं कर पाएगा. छोटा हो जाएगा टूटने कब होगा छोटा. हाँ हाँ टूटने के बाद बच्चे पर, फिर तो वो ऑब्जेक्ट का आपने कैरेक्टर ही चेंज कर दिया ना. मतलब अब वो साइज तो आपने इस वजह से चेंज इस तरीके से चेंज हुआ कि ऑब्जेक्ट का अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो कम हो गए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ, ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच कर रही हूँ या मैं इसको ऐसा कर रही हूँ तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है. बट इफ आई टॉक ऑफ दिस, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो चेंज हो जाएंगे. ऑब्जेक्ट की तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपने बदल दी. राइट निधि. यस मैम. राइट डाउन क्विकली. Yes. Now, Ridhima, can you see the slide of representation of force? Yes, ma'am. You have to explain it. Okay, ma'am. Chalo. Okay. So the force. Ridhima, आपको जहाँ पे भी doubt हो, आप Ridhima को cross question कर सकते हैं. Okay, ma'am. चलो पूछ बताओ. So force is represented by a capital letter F and the direction in which the force is acting. We show the we show it by arrow. जहाँ पे भी वो दिखा रहा होगा, जैसे अगर मैंने लैपटॉप उठा रखा है तो मैं फोर्स लैपटॉप पे अगर मैं उसे ऊपर कर रही हूँ तो फिर वो ऊपर आ रहा है, तो एरोज जो होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे. उसके बाद फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन तो एरो से पता चल गया. मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर कि उसके एक डायरेक्शन का नंबर, मतलब एक फोर्स का यूनिट भी होती है कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज न्यूटन एंड इट हैज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ. The magnitude of force represents the strength and amount of force. Yes, ma'am. So the magnitude of force, jo hai wo, that represents that how much force is acting on that object and the strength. And ma'am, it is a vector quantity, matlab defined quantity. Nidhi, kahin pe koi doubt hai? Haan, ma'am.
हाँ कहाँ पे? मैम मुझे वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या एक नंबर रिद्धिमा, होगा? रिद्धिमा क्या होगा? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इट विल बी अ पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर नंबर दैट विल रिप्रेजेंट हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल निधि, सपोज मुझे डोर पुश करना है, मैंने डोर पुश किया, सपोज आपको पता होना चाहिए दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट न्यूटन. ठीक है, फोर्स को आप न्यूटन से रिप्रेजेंट कर करते हो. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डोर को पुश करने के लिए 4 न्यूटन का फोर्स लगाया. न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन डोर नहीं खुला, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से फोर्स को बढ़ा दिया. अब मैंने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ मैं. तो 4 न्यूटन 6 न्यूटन ये क्या बता रहे हैं? दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ठीक है, द न्यूमेरिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. एंड रही बात डायरेक्शन की, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू मूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो फॉर दिस आई नीड टू अप्लाई द फोर्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर मैं यहां से मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है तो मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाऊंगी ना. यस, ये डायरेक्शन. ठीक है, तो यानी कि फोर्स की मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि न्यूमेरिकल क्वांटिटी भी है इसके पास, और डायरेक्शन भी है, कितना फोर्स लगा रहे हैं ये भी है और उसका डायरेक्शन भी है. सो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, और जिसके पास केवल डायरेक्शन हो, दे आर केवल डायरेक्शन तो बच्चे हो ही नहीं सकता ना. मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होगी जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन हो. हाँ, ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, अगर किसी का डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड तो होना बनता ही है ना. फॉर एग्जाम्पल आपको 5 किलोमीटर आपको साउथ में जाना है, लेकिन साउथ में कितना जाना है ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि 5 किलोमीटर जाना है. सो ओनली डायरेक्शन इज नॉट देयर, बट या मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर. फॉर एग्जाम्पल आपने 5 kg एप्पल खरीदे, अब कोई मतलब थोड़ी है कि 5 kg एप्पल आपने किस डायरेक्शन में खरीदे. 5 kg एप्पल है, 5 kg वेट है बस इनका, ये मेंशन, ये जरूरी बात है. ठीक है, अच्छा लास्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ. यस, आपको भी पता है कि 4 न्यूटन और 6 न्यूटन में कौन सा वाला ज्यादा फोर्स है? 6. तो मैग्नीट्यूड, रिद्धिमा आज के लिए नया कुछ सीख रहे हो क्या? देखती हूँ हर बात पे ये लेटर्स बनाने लग जाते हो. हाँ, सो यस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स. यानी कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी फोर्स की. निधि, आई होप इट इज क्लियर. यस मैम. एनी डाउट? हाँ मैम, वन डाउट मैम, जैसे हम लोग टूवर्ड साउथ यूज करते हैं वैसे न्यूटन में क्या यूज करेंगे? वही 4 न्यूटन टूवर्ड साउथ. बिल्कुल ठीक है, टूवर्ड साउथ बिल्कुल. आप बताओ जरा निधि, आपको बताना है कि अगर ये दोनों बॉयज फोर्स लगा रहे हैं सोफा पे बट सोफा मूव नहीं कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या मैग्नीट्यूड रहा होगा दोनों फोर्सेस का और क्या डायरेक्शन रही होगी दोनों फोर्सेस की? मैम दोनों पूरे सेम होंगे तभी ना सोफा, दोनों सेम फोर्स रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल दोनों अगर 5 न्यूटन के रहे होंगे, ऐसा, सॉरी, राइट? हाँ मैम, ऐसा ही, ऐसा ही. और डायरेक्शन उनकी, डायरेक्शन भी सेम होगी, सेम डायरेक्शन, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में. नहीं मतलब डायरेक्शन का जितना, जैसे कि एक जन साउथ है तो एक जन नॉर्थ, जी बिल्कुल डायरेक्शन ऐसे है ना. यस, सो अगर बिल्कुल, इट्स करेक्ट, वेरी वेरी गुड, इट्स करेक्ट कि अगर आप देखेंगे तो अगर एक राइट की तरफ जा रहा है सो एक लेफ्ट की तरफ, बट स्टिल इफ द सोफा इज नॉट मूविंग मींस बोथ ऑफ द फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना. इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है. सो टोटल अगर हम बोलें कि इस सोफा पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? यस रिद्धिमा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द सोफा? इक्वल. सोफा मूव किया, जीरो जीरो.
ठीक है, नेट फोर्स विल बी जीरो, 20 माइनस 20 मतलब टोटल, नेट फोर्स मतलब रिजल्टिंग फोर्स, नेट फोर्स मतलब जो रिजल्टिंग फोर्स है. अब देखो ना, ऐसा हो सकता था, आगे की कंडीशन अभी बता रही हूँ कि और क्या होता, लेकिन इतनी बात क्लियर है बोथ ऑफ यू निधि? यस मैम. ठीक है, नेट फोर्स विल बी जीरो. अब यहाँ पे देखो, अगर आपको राइट वाला एक केस दिख रहा होगा जहाँ पे सोफा लिफ्ट अप किया है. नाउ बोथ द बॉयज आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, वन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एंड वन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, बट दे आर अप्लाइंग फोर्स इन द सेम डायरेक्शन. नाउ व्हाट विल बी द नेट फोर्स? यस निधि, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? मैम दोनों का मिलाकर जितना होगा, हाँ, मतलब 25 प्लस 20 तो 45 न्यूटन. एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? मैम एक ही तरफ हो रहा है. हाँ, टू द राइट. राइट में दिख रहा है आपको, टू द राइट मेंशनड है दोनों फोर्सेस ये डायरेक्शन में, सो टू द राइट. आई होप इट इज क्लियर. यस. ठीक है, अच्छा, अब ऊपर एक और कंडीशन है कि अगर दो बॉयज सोफा पे फोर्स लगा रहे हैं टू द लेफ्ट, वन बॉयज अप्लाइंग टू द राइट, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? प्लस 20 माइनस 20, 20. इज इट क्लियर और नॉट? सो प्लस और माइनस एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन के हिसाब से कर रहे हो. आपने क्या किया, अगर आपने लेफ्ट वाले फोर्सेस को प्लस में ले रखा है, सो जो राइट वाला फोर्स है दैट इज इन माइनस. यही तो हो रहा है, तभी तो आपका रिजल्टेंट आपको प्लस 20 प्लस 20 माइनस 20 करके 20 मिल रहा है. ठीक है निधि, इज इट क्लियर? यस मैम. ठीक है, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द बेसिक फोर्स जो कि आपको पता होना चाहिए. वैसे आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी भी होगी प्रीवियस क्लासेस में. ओके, नाउ यस निधि, डिस्क्राइब डिफाइन फोर्स निधि. Man, force is an act of push or pull which uh-huh. changes the state uh-huh. of rest or motion of a body. ऐसे ही था, good. ऐसा ही नहीं था, सही है बिल्कुल, very good. रिधिमा, describe some effects of force. Man, मेरे को तो पता है, मैंने तो बताया था. हाँ तो बता दो ना. Okay, ma'am. So rest to motion, motion to rest, change in size, change in speed, change in shape, etc. Good, good, good. Now here you have one question. The two persons are pushing the sofa in the same direction, but the magnitude of forces of each 4 Newton. What will be the resultant force? Also, in which direction the box will move? Ma'am, sofa hai ye. Sofa? मैम ये तो सोफा है. हाँ तो वही सोफा. ओके, सोफा कहाँ को मूव करेगा? मैम मेरे को पता है. ओके, मैम टुवर्ड्स राइट मूव करेगा. टुवर्ड्स राइट. एंड रिधिमा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? मैम नेट 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 मैम टोटल रिजल्ट बताओ. हाँ जी, 8 न्यूटन. 8 न्यूटन, गुड गुड. So this was the very basic thing about force. Now let's try to have a very very important thing about force. Iska ek important aspect dekhne wale hain, that is the turning effect of force. Turning effect padha hai humne Nidhi? Turning matlab? Haan ji, turning matlab turning, turn karna. Nahi, acha ek baar batao, aap apne door ko open karte ho, door khulta hai na aapka. Yes. तो पूरा पूरा डोर पकड़ के खोलते हो? नहीं नहीं, क्या करते हो? उसका हैंडल पकड़ के. किसकी हैंडल है ना, आपने फोर्स हैंडल पे लगाया एंड द डोर इज ऑफ ओपनिंग, राइट राइट है ना. ऐसे yes. बहुत सारी जगह पर आप फोर्स लगा कहीं और रहे हो और काम हो कहीं और रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सी इन द स्क्रीन दिस साइकिल, आप फोर्स लगा रहे हो पैडल पे, है ना, आप पैडलिंग कर रहे हो, आप पैडल्स पे फोर्स लगा रहे हो, बट द व्हील्स आर मूविंग. आप सेकंड वाले पिक्चर में देखो, आप फोर्स लगा रहे हो इस वुडन प्लैंक, वुडन वाला जो पार्ट है,
है ना, वुडन वाले पे फोर्स लगाया, बट जो आपका स्टोन एसोसिएटेड है दैट स्टोन इज मूविंग, राइट. लाइकवाइज इन द थर्ड वन, ये पॉटरी मेकर में आप अगेन स्टिक को मूव करा रहे हो एंड दिस व्हील इज रोटेटिंग. सो बेसिकली बात क्या है कि आप फोर्स लगा कहीं और रहे हो एंड जो उसका इफेक्ट है वो कहीं और दिख रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिस पॉइंट के अबाउट. रिधिमा मैम, मैं इसका एक और एग्जांपल बताऊं. ओके मैम, जैसे मैम जब हम लोग लिफ्ट पर आते हैं, बट लिफ्ट मतलब फोर्स बटन पर लगाते हैं, बट लिफ्ट अपने आप आती है ऑटोमेटिकली. ओके ठीक है, बट बच्चे ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट नहीं है. Yes, वो वाला केस अलग है. वो तो ये है कि आपने कनेक्शन दिया हुआ है ना, सर्किट आपका कंप्लीट है, उसकी वजह से ये चीज हो रही है, वो अलग चीज है. ठीक है, वो पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजों में. बट फॉर नाउ आई होप ये जो बेसिक इन आपके पास चीजें हैं कि जैसे आप देख रहे हो कि आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. मान लो आपको कोई मशीन, हाँ अगर आपने निटिंग मशीन देखी हो या जो भी है ना, निटिंग मशीन, स्यूइंग मशीन देखी होगी, आप रिवॉल्व यहाँ करते हो, ठीक है, आप रोटेट यहाँ पे कर रहे हो, काम इफेक्ट उसका कहीं और पे हो रहा है. सो दीज आर बेसिकली द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. और हो क्या रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है ना, दैट इज एक्चुअली मूविंग अबाउट अ एक्सिस. वो उस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले वुडन रॉड की बात करूं, तो जो ये आपका, ऐसा तो नहीं ना कि कहीं भी मूव कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है बच्चों कि कहीं को भी मूव कर रहा है, इज इट? नो, इट इज मूविंग अबाउट एन एक्सिस. ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. एंड दिस एक्सिस, कहीं पे एक्सिस जैसे कि बेसिकली एक लाइन है जिसके अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है. जैसे कि आप अगर साइकिल में देख रहे हो ना, ये जो ये दिखाया हुआ है, ये येलो वाला दिख रहा है, देखो इसके अबाउट ये जो टायर है मूव कर रहा है. यहाँ पर इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर इस वाली एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज द टर्निंग इफेक्ट. वहीं अगर आप फोर्स, अगर आप डोर को भी, मैंने आपको बताया कि आप डोर का जो हैंडल है, ठीक है, या डोर नॉब है, आप उस पर फोर्स लगाते हो, बट द डोर ओपन, दिस इज कॉल्ड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो एवरी वन डू राइट इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, आपने क्या किया, जैसे कि अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट की मैं डोर की बात करूं, आपने डोर को फिक्स किया हुआ है. देखो इसमें ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से, एक पाइवट से फिक्स करना जरूरी है, वरना ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस, तो अगर ये किस चीज के अबाउट रोटेटेड फिक्स नहीं है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट, कहीं को भी मूव कर सकता है. बट मैंने क्या किया है कि मैंने इसको इस डायरेक्शन के अबाउट फिक्स कर दिया है. नाउ इट कैन ओनली मूव लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ टर्निंग इफेक्ट. आपने इस डोर में यहाँ पे हिंजेस लगा दिए. हिंजेस क्या होते हैं, दे आर द फिक्स पॉइंट. नाउ हिंजेस लगा दिए, अब जो डोर है वो खाली फॉरवर्ड बैकवर्ड इसी तरीके से मूव कर सकता है. ऐसा तो नहीं ना कि कैसे भी मूव कर लेगा, कभी ऊपर का पार्ट मूव कर रहा है, कभी नीचे का, ऐसा तो नहीं है. इट कैन ओनली मूव अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट. सो राइट डाउन एवरीवन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, देन द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट. ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है, पाइवोटेड किया हुआ है. ओके, और ऑब्जेक्ट भी जो रोटेट करता है, टर्न करता है, दैट इज ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइवोटेड पॉइंट. उस पॉइंट की एक्सिस के अबाउट ही, अबाउट मतलब उसके चारों तरफ ही ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट. और टर्निंग इफेक्ट का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ द फोर्स. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्लियर एवरीवन, प्लीज राइट डाउन. If an object is pivoted at a point, then the applied force produces a turning effect about an axis.
passing through the pivoted point of the object. Don't forget to mention the another name of turning effect of force, moment of force. और यहाँ से हमारे पास numerical भी आते हैं, which are very very important. Please write down if you have not written yet. Written बच्चों? Yes ma'am. Good. ठीक है. अच्छा. अब ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है, मतलब फोर्स कैन टर्न अ ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस. अब जरा ये भी देख लेते हैं कि जो वो आप फोर्स लगा रहे हो उसका क्या इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि क्या कि अगर हम सेम डिस्टेंस से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या टर्निंग इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा. लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट मी शो यू. देखो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है. ये डोर का नॉब है यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, दिख रहा है ये यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ये व्हाइट व्हाइट से है ना, ये हिंजेस है. अब आपने क्या किया, हैंडल लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, जहां पे आपका हिंजेस है वहीं पे आपने हैंडल लगाया हुआ है. ओके, अब आपने हैंडल यहाँ पे लगाया हुआ है, आपका जो हिंजेस है जहां से फिक्स पॉइंट है, पाइवोटेड पॉइंट से आपने अपने हैंडल को कितना दूर लगा रखा है. देखो ये आपका अगर डोर है, मान लो यहां से मैंने हिंजेस लगा रखे हैं, इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है. अब आपने एक हैंडल यहाँ पर लगाया है, एक डोर में यहाँ पे हैंडल है, एक डोर में यहाँ पे हैंडल है. निधि आपको बताना है कौन से वाले केस में डोर आसानी से खुल जाएगा. ये आपका डोर है, यहां से फिक्स्ड है. नाउ वन केस आपने हैंडल यहां पे लगाया है, सेकंड केस हैंडल यहां पे लगाया है, थर्ड केस में हैंडल यहां पे लगाया, कौन से केस में आसानी से खुल जाएगा. निधि मैम डोर कैसे खुलेगा, हैंडल से खुलेगा ना. हाँ मैम वो जो स्लाइड वाला होता है. नहीं जैसे आपका घर में डोर होता है ना. अच्छा जो स्विंग करता है. फॉरवर्ड बैकवर्ड मैम राइट साइड में जो होगा वो, मतलब जो सबसे फ्रंट में होगा उसी से आसानी से खुलेगा. यहाँ पे हिंजेस हैं, सो वन टू थ्री, विच वन, वन टू थ्री, वन पे यहाँ से हिंजेस लगा रखे हैं, यहाँ से डोर वॉल से फिक्स. अच्छा नहीं मैम, थ्री से है ना. यानी कि एक और चीज है जिसपे ये फोर्स का इफेक्ट है ना, आसानी से खुलने का इफेक्ट सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ फोर्स लगाने से बात नहीं बन रही है, देयर इज अनदर फैक्टर एज वेल जिसकी वजह से डोर को आसानी से ओपन या क्लोज किया जा सकता है. एंड व्हाट इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. मेरा पॉइंटर दिख रहा है, दिख रहा है. देखो यहाँ पे ये आपके हिंजेस हैं, हिंजेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी कम है, यहाँ पे हिंजेस या फिक्स्ड पॉइंट या पाइवोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा है. जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने शो किया हुआ है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने डोर कहीं और है और उसका हैंडल कहीं और बना दिया. नो दिस विल नॉट वर्क. ओके सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज हेल्पिंग इन ओपनिंग द डोर इजी, है ना. आपने डोर, क्योंकि जिस चीज को मूव कराना है आपका जो जहां पे भी आप फोर्स लगाओगे वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होना चाहिए, तभी तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है. इसीलिए आप ऐसा नहीं कि आपने डोर का नॉब कहीं और लगा दिया, डोर कहीं और, तो इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है. सो आई होप समझ में आ गया होगा हमें कि टर्निंग इफेक्ट के लिए सिर्फ फोर्स से बात नहीं बनेगी. यू ऑल्सो नीड टू सी व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट. जहां से आपने अपना डोर फिक्स किया हुआ है उससे आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाली डिस्टेंस कितना दूरी पे है, इट विल हेल्प, ठीक है. ये वाली डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये डोर कितना लंबा है, नहीं,
फर्क पड़ रहा है कि आपने हैंडल को कितना दूर पे लगाया है अपने फिक्स्ड पॉइंट से, और जितना ज्यादा दूर है उतना इजीली आपका डोर खुल रहा है। टर्निंग इफेक्ट कब ज्यादा अच्छा मिल रहा है हमें, जब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है या कम? यस रिद्धिमा, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो हमें अच्छा टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है, या जब कम है तो अच्छा टर्निंग इफेक्ट मिल रहा है? जब ज्यादा है। ज्यादा है, तो आई होप यू गॉट द थिंग दैट द टर्निंग इफेक्ट और द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स एज वेल एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स, यानी कि दोनों ही चीजों के बढ़ने पे मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ रहा है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला भी हमें यहीं से मिल जाता है, इसीलिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स राइट डाउन, फॉर्मूले के फॉर्म में हम इसे पढ़ने वाले हैं अब। इट इज व्हाट, आपको डिफाइन भी ऐसे ही करना है एग्जामिनेशन में। वो तो आपको टर्निंग इफेक्ट समझ में आ गया, टर्निंग इफेक्ट हमने लिख लिया। अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा जाता है एग्जामिनेशन पे, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट पॉइंट एंड लाइन ऑफ फोर्स। रिटन या बोथ ऑफ यू रिटन और नॉट? निधि एनी डाउट? निधि मैम नो नॉट रिटन एनी डाउट? डाउट है मैम? नो राइटिंग जस्ट। ओके यस मैम आई एम राइटिंग। ठीक अब मैंने आपको बताया दैट मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला भी मिल गया हमको। व्हाट इज द फॉर्मूला? मैम मैं तो बताऊं जी मैम, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस ठीक है, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप फॉर्मूला फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, F इंटू डी, दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स। राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डी। ठीक है राइट, मैं चलो मैं लिख ही देती हूँ आप लोगों के लिए। जी मैम जो मैम अगर मैम जो आयरन नेल इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट, तो मैम उसका वो क्या होगा फॉर्मूला? ओके मैम फोर्स क्या है? डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी वाली चीज समझ नहीं आई बच्चे? वो जो स्टार स्टार, हाँ वो इनटू है एक्चुअली। कंप्यूटर लैंग्वेज में ना इनटू जनरली स्टार से शो किया जाता है। खैर तो रिद्धिमा आपका क्वेश्चन था कि अगर आयरन नेल्स को कॉपर के साथ रब किया जाए। नहीं मैम, मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो आयरन व्हेन आयरन ड्रॉप आयरन नेल्स आर ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट देन उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, आयरन नेल्स को जब कॉपर, ये होगा बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। व्हेन आयरन, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। फोर मैंने ऐसे लिखा है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आयरन जो है ना वो कॉपर को धक्का मार देगा। रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी मैंने आपको रिद्धिमा, कभी
ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए हमें, अगर नहीं आती है किसी को तो फिर दिक्कत होगी इस तरीके के क्वेश्चंस करने में. रिएक्टिविटी सीरीज किसके लिए है? मेटल्स के लिए. जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो दूसरे वाले को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसे ही कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में जो मेटल है दैट इज कॉपर, और आयरन एक मेटल है, दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Fe. Fe. तो क्या करेगा? Fe इस कॉपर को यहां से भगा देगा और बना लेगा अपना कंपाउंड, कहेगा मुझे, मैं बनाऊंगा कंपाउंड. सो कॉपर को हटाया तो कॉपर की जगह पे अब Fe आ जाएगा. सो FeSO4 प्लस कॉपर. अब कॉपर भी मैम ये क्वेश्चन किसने किया? आयरन ने. हाँ जी निधि, लिख लिया बच्चे? यस मैम. आपने तो लिख लिया, पर यहाँ थोड़ी सी. ओके जी. So what is the unit of moment of force? Nidhi, SI unit kya hogi? Force into distance hai. To force ki SI unit newton? Haan. Meter. Aur distance meter. Meter hota hai. Theek hai? So moment of force ka SI unit kya hoga? Newton meter. Do write it. और एक और चीज बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, कि मोमेंट ऑफ फोर्स का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क. दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क. टॉर्क, ठीक है. सो टॉर्क भी मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क क्या हो गया, आप समझ में आ गई होगी बात, कि जो भी फोर्स, कोई भी ऐसा फोर्स है जिसका कि एक रोटेटिंग इफेक्ट है, एक टर्निंग इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. मैम इसका तीन नाम है टोटल. टर्निंग इफेक्ट बच्चे फोर्स के लिए कह सकते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कि बेसिकली आप कब कहोगे, जब आप बात कर रहे हो फॉर्मूले की, और टॉर्क भी तभी कहा जाता है. टर्निंग इफेक्ट एक क्वालिटी हो गई कि फोर्स जो है टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, और जनरली जब हम फॉर्मूले के बेसिस पे बात करते हैं वहां पे हम टॉर्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं. ठीक है, ठीक है. Now, यहाँ पे एक रेंच है, रेंच पे आप फोर्स लगा रहे हो. अब मुझे बताओ ये रेंच लेफ्ट वाले कंडीशन में कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा? ऐसे, राइट? ऐसे घूमेगा. कौन सा लेफ्ट वाला? नहीं दिख रहा है. अभी रिधिमा, आर यू एबल टू सी? यस मैम. निधि? No, ma'am, not able to see. Red arrow ना मैम? हाँ, red arrow और एक wrench बना हुआ है ना? Yes, ma'am. Opener. Opener ही तो है ये. है कि नहीं? Kind of. Nut bolt को open करने के लिए. नहीं? निधि? रिधिमा दिख रहा है? यस मैम, मेरे को दिख रहा है. प्लीज राइट इट डाउन बच्चों. रिटेन? यस मैम. मैम लेट द डिफरेंस इज मैम कि अगर हम लोग मतलब जैसे अगर हम क्लॉकवाइज ज्यादा थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो डिफरेंस हो जाता है फोर्स में, वरना तो सेम ही रहेगा. देखो जितना आप फोर्स अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हो आप. यस मैम. दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हो ना तो मोमेंट जो है आपको बराबर मिलेगा, चाहे इस डायरेक्शन से लगाओ चाहे इस डायरेक्शन से लगाओ. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, सो या दैट वाज इट फॉर द डे. आई होप मोमेंट ऑफ फोर्स क्लियर हो गया होगा. एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपको समझ में आ गए होंगे, दैट अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है विद द फोर्स इट इज
it is clockwise moment, else it is anti-clockwise moment. Okay, so yeah, try to solve this question. Okay, Nidhi was not there in the class. Nidhi, here there is this question. So, कुछ नहीं बस आपको फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है. सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं. राइट, ओके. सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों.